देखिए, हमने इस विधानसभा के अंदर पेपर लीक के मुद्दे को अभी तक हमने जिंदा रख रखा है। सरकार का स्पष्ट रुख जब तक नहीं आ जाएगा तब तक इस मुद्दे के ऊपर भी हम संघर्ष करेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार आज 8वें दिन धरने के ऊपर है। कल और परसों हमने खराबे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। आज हम कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को सदन के अंदर घेरेंगे। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था के अंदर भी सीधा सीधा मेरा आरोप है, जो नकारा निकम में लोग हैं, पैसे के दम पर पदस्थापन करवा रहे हैं विधायकों की अनुशंसा करा के। सरकार योग्यता के आधार के ऊपर फील्ड पोस्टिंग देती तो मेरे ख्याल से ये कानून व्यवस्था इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन निकम्मे और नकारे लोगों को पैसे के दम के ऊपर विधायकों की अनुशंसा के आधार के ऊपर पदस्थापन करा रही है, उसी से ये कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। पिछले 6 महीने में आधा दर्जन से अधिक गैंगवार हुई है। देखिए, राजस्थान के अंदर इतिहास रचा जा रहा है। पहले यूपी और बिहार के बारे में सोचते थे कि फिरौती ली जाती है, धमकियाँ दी जाती है, अपहरण किए जाते हैं, तो राजस्थान में शुरुआत हुई है। यूपी के अंदर समाप्ति की ओर है अपराध, राजस्थान में शुरुआत हो चुकी है। फिरौती मांगी जा रही है, अपहरण मांगे जा रहे, अपहरण किए जा रहे हैं, मोटे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को चुनौती देने के बावजूद भी सरकार उस चुनौती के आधार के ऊपर गैंगस्टरों को नेस्तनाबूत नहीं कर रही है, उनको खुला छूट दे रखी है। जो चाहे जब चाहे वारदात को अंजाम दे के जाए। तो बीजेपी यह चाहती है कि आम जन के अंदर जो पुलिस का स्लोगन है, अपराधियों में डर आमजन में विश्वास, उस स्लोगन के आधार के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे।